हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे और अच्छे रहना, सेफ रहना, घर में रहना। तो गाइस, आज आ रहा एक नई वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हो गई हूँ। तो आज का जो वीडियो है, हमारी टीवीएस एंडोर के ऊपर एक हैंडल बार इंस्टॉल करने वाले हैं, जो लीवर गार्ड होती है ना, वो एक चीप प्राइस में मोडिफिकेशन करने वाला हूँ आप लोगों को लिए। जो लोग कमेंट कर रहे हो जो चीप प्राइस में अच्छे से मोडिफिकेशन का वीडियो बनाएं, तो आप लोगों के लिए वीडियो है। पूरा वीडियो देखिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? तो गाइस, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम लोग ये ऑफलाइन से ख़रीदा हूँ। 2 LN की आपको मिलता है इसके साथ, 350 रुपीज़ पड़ा मेरे को। और आप ऑनलाइन ले सकते हो, इसका प्राइस है 450 रुपीज़। आप ऑनलाइन भी ले सकते हो एंड ऑफलाइन भी ले सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके ले सकते हो। पूरा ये पार्ट मेटल की है, ब्लैक एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन में है। हमारी बाइक ब्लैक एंड रेड कलर के है, उसीलिए। तो नीचे 2 LN की मिलता है आपको, ये रेड कलर की बार एक्सटेंड कर सकते हो। इसका जो बार है हमारे बाइक का, बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। अंदर की तरफ से एक स्क्रू ड्राइवर से मारने से हम लोग निकला इससे। तो यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। तो गाइस, आप लोग जब टाइट देंगे तो अच्छे से टाइट देना, नहीं तो ये लेफ्ट एंड साइड में घुट जाएगा, ठीक है, लूज़ हो जाएगा। तो हमारे लेफ्ट साइड का हो गई, राइट साइड का लगाने का बाकी है, ठीक है। राइट साइड को हम लोग एक्सीलेटर है, उसे लिए एक वॉशर देना पड़ेगा आपको। कोई भी एक हार्डवेयर के शॉप में जाके 6 mm की एक वॉशर ले लेना, ऐसा है, उसका अंदर डाल देना। उसके बाद इसका जो स्क्रू है और दे देना, ठीक। उसके बाद आप टाइट कर देना आपका इस एक्सीलेटर, कोई भी नहीं, आपका एक्सीलेटर नहीं घसेगा आपका जो हैंडल बार लगा रहे हो उसका साथ, ठीक है। अच्छा से टाइट कर देना आपका जो राइट साइड का जो पार्ट है, वो प्लास्टिक का पार्ट है। एक्सीलेटर का जो पाइप है ना, वो प्लास्टिक का है, उसीलिए लूज हो जाए होने का चांस ज़्यादा रहते हैं। आप लोग अच्छे से टाइट कर देना, ठीक है। जब भी आपका एक्सीलेटर राइट साइड का जो हैंडल बार है आप टाइट कर रहे हो, तो 1 से 2 mm क्लियर रखना चाहिए आपका जो एक्सीलेटर हैंडल ग्रिप है रबर का, उससे देख लीजिए 1.5 mm क्लियर रहना चाहिए, नहीं तो ये घसेगा। तो गाइस, अच्छा रखते हो, हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही मॉडिफिकेशन रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका आगे जो वीडियो अपलोड किया हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिया, सब्सक्राइब किया आप लोग ने, कमेंट किया अच्छा से अच्छा। तो गाइस, ऐसा ही प्यार बरसाते रहो और सपोर्ट करके रखो। और अगला वीडियो में ज़रूर आएगा नेक्स्ट मॉडिफिकेशन रिलेटेड वीडियो। तो गाइस, चलिए आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं।